दोस्तों वेलकम बैक टू आवी एक्सप्लेनर। जन्म से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, चाहे वो लाल चीटी और काली चीटी क्यों ना हो। इसीलिए आज हम मिनुस्क्यूल वैली ऑफ द लॉस्ट आंट्स मूवी को देखने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। मुझे लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो पिकनिक मनाने के लिए एक सुनसान सी जगह पर आया होता है। वो लोग मस्त नेचर के मजे ले रहे होते हैं, तभी उसकी वाइफ कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वे लोग अपना सामान लेकर तुरंत वहां से चले जाते हैं, लेकिन खाने की कुछ चीजें वहीं पर छोड़ जाते हैं। तभी हमें तीन बग्स दिखाई देती हैं जो अभी अभी अंडे से निकली होती हैं। तभी उनके माता पिता उनके पास आते हैं और उन्हें उड़ना सिखाते हैं। पहले तो वो बग्स उड़ नहीं पाते हैं और बाद में उड़ना सीख जाते हैं। वो लोग नदी और घास के ऊपर से उड़कर जा रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बग्स को कोई आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो एक मक्खी का पीछा कर रहा है जो आवाज करती हुई जा रही होती है। बाद में जब मक्खी एक जगह पर बैठती है तो बग्स भी वही बैठ जाता है और उस मक्खी से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर और बड़ी मक्खियाँ आ जाती हैं जो बग्स को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो बड़ी जोर से आवाज करने लगती हैं। ये सब देखकर बग्स बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मक्खियाँ उसका पीछा करती है और आखिरी में वो पहाड़ से टकराकर एक दरार में गिर जाता है। इससे उसका एक पंख टूट जाता है। हम और मक्खियाँ दरार के बाहर उसका इंतजार करती है और कुछ समय के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बग्स उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पंख से उड़ नहीं पाता है और बाद में शाम हो जाती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। बग्स चलकर इधर उधर जाता है। जब उससे कोई मदद नहीं मिलती है तो वो एक चीनी के डिब्बे में छुपकर रात बिताता है। सुबह होने पर जब बग्स कुछ आवाज सुनकर बाहर देखता है तो वहाँ सभी इंसेक्ट खाने की चीजों को अपने अपने घर को ले जा रहे होते हैं। मक्खियाँ चिप्स ले जा रही होती है तो कुछ खटमल बिस्किट ले जा रहे होते हैं और कुछ खटमल एक माचिस के डिब्बे को ले जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें काली चींटियों का एक ग्रुप वहाँ से सामान ले जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी चींटियों के लीडर को चीनी की स्मेल आती है और वो दौड़कर उस डब्बे के पास आती है। चींटी को आता देखकर बग्स उस डब्बे में छिप जाता है। चींटी डब्बे में जाती है और वहाँ चीनी का एक दाना टेस्ट करती है, जिसको खाने से उसको मजा आता है और वो अपने साथियों को चीनी के डिब्बे के पास बुलाती है और सारी चींटियाँ अपना सामान छोड़कर वहाँ जाती है और डब्बे को ले जाने लगती है, जिसके अंदर बग्स भी होता है जो उनके साथ सफर पर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद चींटियां डब्बे को एक पत्थर से गिराती है, जिसके कारण डब्बा खुल जाता है और बग्स बेहोश हो जाता है। सभी चींटियां चीनी के क्यूब को इकट्ठा करने के बाद बग्स के पास जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक छिपकली आ जाती है, जिससे डरकर चींटियां चीनी के टुकड़े के पीछे चली जाती है। छिपकली लीडर के पास जा ही रही होती है, तभी बग्स को होश आ जाता है और वो डिब्बे के अंदर जाकर जोर से आवाज करता है, जिससे डरकर छिपकली वहां से भाग जाती है। तभी चींटियां बग्स के पास आती है और उससे बात करती है और बग्स बाकी सारी बात बताता है। तभी चींटियां उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है और इसी के साथ बग्स चींटियों के साथ चल देता है। रास्ते में उनको लाल चींटियों का एक ग्रुप मिलता है जो काली चींटियों को बड़े गुस्से से देखता है और उनका रास्ता रोक लेता है। तभी काली चींटी का लीडर डब्बे में से एक क्यूब लाल चींटी को गिफ्ट दे देता है और बॉक्स को लेकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर लाल चींटियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और काली चींटियों का पीछा करने लगती हैं। जब काली चींटियां लाल चींटियों को देखती हैं तो चीनी के बॉक्स को एक ढलान से नीचे गिरा देती हैं। तभी लाल चींटियां एक कैन के अंदर सवार हो जाती हैं और कैन को भी ढलान की ओर ले जाती हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि काली चींटियों का बॉक्स आगे आगे और लाल चींटियों का कैन पीछे पीछे होता है और कुछ देर बाद दोनों एक नदी में गिर जाते हैं। तब भी लाल चींटियां काली चींटियों का पीछा नहीं छोड़ती और कुछ देर बाद काली चींटियों का बॉक्स और लाल चींटियों का कैन एक झरने से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से लाल चींटियों का कैन पानी के अंदर रह जाता है और काली चींटियों का बॉक्स पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसके बाद काली चींटियां चीनी के क्यूब्स को किनारे पर लेकर वहां से चली जाती हैं। दूसरे दिन जब काली चींटियां सड़क पार कर रही होती हैं, तो लाल चींटियां उन्हें देखकर उनके पीछे आने लगती हैं। लेकिन काली चींटियां एक कार की तरफ भागती है जो उनके पास आ रही होती है। इसको देखकर लाल चींटियों का लीडर भी उनके पीछे भागता है, लेकिन उसके सभी साथी कार से डरकर वहां से भाग जाते हैं और बाद में काली चींटियां वहां से बचकर सड़क के दूसरी ओर चली आती हैं और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाती हैं। उनके साथ बग्स भी चींटियों के घर के अंदर जाता है और वहां देखता है कि सारी चींटियां अपने काम में व्यस्त होती हैं और घर के अंदर सभी चींटियां अपने लाए हुए सामान को रानी चींटी के पास ले जाती हैं और अगर रानी चींटी उनके लाए हुए सामान को पसंद करती हैं तो वो उनको एक अंडा देती है। लेकिन जब काली चींटियां चीनी को रानी को देती है तो रानी बहुत ज्यादा खुश होती है, तो बहुत सारे अंडे उनको देती है। लेकिन तभी लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों का पता खोज लेता है और तुरंत वहां से जाकर अपनी रानी को सारी बात बताता है। उसकी रानी तुरंत उन काली चींटियों पर हमला करने का आदेश देती है और उसके बाद लाल चींटियों की पूरी फौज पत्थर, गुलेल और कीड़े मारने की स्प्रे लेकर वहां से रवाना हो जाती है और दूसरी तरफ रात हो जाती है और काली चींटियां मस्त आराम से सो रही होती है और उनके साथ बग्स भी सो रहा होता है और वो मस्त अपनी फैमिली के साथ उड़ने का सपना देख रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो चींटियों के घर के टॉप फ्लोर पर जाता है और देखता है कि उसका दूसरा पंख उग रहा है। ये देखकर वो ज्यादा खुश होता है और फिर जाकर वो सो जाता है। जब सुबह होती है तब चींटियों को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो लाल चींटियों की पूरी सेना गोला बारूद लेकर उनके घर के सामने खड़ी होती है और वो तुरंत हमला शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में काली चींटियां नमक एयरबड्स की गोलियों से हमला करती है।
लेकिन लाल चींटियों का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाती है। तभी सिचुएशन को समझते हुए काली चींटियां मीटिंग करती हैं। तब चींटियों की रानी उनको एक चींटी के पास भेजती है जिसके पास खूब सारा सामान होता है। जब वो चींटी अपने सामान को देखती है तो उस सामान में उसको कुछ पटाखे और एक माचिस की डिब्बी मिलती है, जिसको देखकर चींटियां घर के ऊपर पटाखे और रॉकेट को रख देती है। जब चींटियों का लीडर माचिस की डिब्बी खोलता है तो उसमें उसको एक ही माचिस की तीली मिलती है। जब वो उस तीली को जलाता है और पटाखे में लगाता है तो रॉकेट जाकर लाल चींटियों के ऊपर गिरता है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें बहुत सारी लाल चींटियां मारी जाती है। और तभी वो माचिस की तीली बुझ जाती है और तभी बग्स को याद आता है कि उसने एक माचिस के डिब्बे को देखा होता है और यह बात चींटियों को बताता है और उनसे माचिस के डिब्बे को लाने का वादा करता है। लेकिन उसको उड़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। तभी चींटियां एक नोट का जहाज बनाकर तैयार कर देती है और बग्स उसमें बैठ जाता है और उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वह माचिस के डिब्बे के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसको एक मकड़ी आती हुई दिखाई देती है और वो माचिस के डिब्बे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। बग्स भी उसका पीछा करता है। बाद में मकड़ी एक लकड़ी के खिलौने के घर में जाती है और वहाँ बग्स को पता चलता है कि मकड़ी को जाला बनाने के लिए आग की जरूरत होती है। तभी एक मेंढक बग्स को अपनी जीभ से खींचता है और बग्स खिड़की को बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे वो लकड़ी का घर मेंढक के ऊपर गिर जाता है और बग्स बेहोश हो जाता है। जब बग्स को होश आता है तो मकड़ी उसको कुछ खाने के लिए देती है और उसकी जरूरत को समझते हुए उस माचिस के डिब्बे को दे देती है, जिसको लेकर बग्स उड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी कुछ मक्खियां एक लेडी बग्स को परेशान कर रही होती हैं, जिसको देखकर वो वहीं रुक जाता है और मक्खियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और आखिरी में सारी मक्खियां एक कार से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। तब बग्स लेडी बग्स के पास जाता है और उसे वापस आने का वादा करता है और उसके बाद बग्स माचिस के डिब्बे को ले जाकर चींटियों को दे देता है। चींटियां उसकी मदद से सारे पटाखों में आग लगा देती हैं, जिससे सारे पटाखे एक्टिवेट हो जाते हैं और लाल चींटियों पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिनसे लाल चींटियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तभी एक रॉकेट कीड़े मारने वाले कैन के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लाल चींटियां हार मानकर पीछे हो जाती हैं। इस तरह लाल चींटियां काली चींटियों से हार जाती हैं। लेकिन चारों तरफ आग लगने से काली चींटियों का घर आग के बीचों बीच फंस जाता है। लेकिन तभी काली चींटियों को एक आवाज आती है और वह देखती है कि एक प्लेन झाग फेंकता हुआ वहां से गुजरता है, जिसके कारण सारी आग बुझ जाती है। बाद में काली चींटियां मलबे से बाहर निकलती है और देखती है कि झाग की वजह से उनका घर तबाह हो चुका है और उसके बाद काफी समय बीत चुका है और अब बग्स बड़ा हो गया है और वह अपने पुराने साथी के साथ है और बग्स के 5 बच्चे होते हैं, जिनके साथ वह अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा होता है। और दूसरी तरफ मेहनती काली चींटियों ने अपना घर दोबारा से बना लिया होता है। काली चींटियां बग्स को भूली नहीं है और वो दोनों एक साथ सनसेट के मजे ले रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारी यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। और आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।